सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवाद पर अखिलेश यादव अब नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सपा भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानती है, लेकिन विपक्ष अगर सवाल करता है तो योगी को उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इससे पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस की चौपाई पर सवाल उठाने का विरोध किया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि मौर्य को अखिलेश का मौन समर्थन प्राप्त है। आज भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीधे सीधे कुछ भी कहने से परहेज किया है। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर अखिलेश यादव साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने सवाल पर अपना स्टैंड तय करने की बजाय सीएम योगी को चुनौती दे दी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जिस चौपाई से आपत्ति है वो चौपाई सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोलकर दिखाएं। रविवार को आगरा और मैनपुरी में शादी समारोह में सम्मिलित होने गए अखिलेश से फिर इस बारे में जवाब मांगा गया तो उनके सुर बदले नजर आए हैं। अखिलेश ने घिरोर में विवादित चौपाई को लेकर कहा कि बीजेपी को 5000 साल का इतिहास उठाकर देखना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सपा सभी धर्मों और उनके भगवानों का सम्मान करती है, लेकिन महाभारत में ऐसा आता है कि शूद्र होने के कारण भी कई योद्धाओं को सम्मान नहीं मिला था। इस पर भी विचार जरूरी है। और आगरा में भी अखिलेश ने चौपाई पर सवाल उठाया, लेकिन रामचरितमानस से कोई विरोध नहीं होने की बात दोहराई। इस दौरान अखिलेश ने खुद को धार्मिक दिखाने की भी कोशिश की और कहा कि आज भी प्रत्येक दिन सुबह एक घंटा भजन करता हूँ। योगी जी को तो सारे भजन याद होंगे, उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है, उन्हें भजन सुनने का समय भी नहीं मिलता होगा। और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दरअसल रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसके हवाले से कहा था कि रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है और इसे सरकार को बैन कर देना चाहिए। इनके इस बयान पर बवाल मच गया और विरोधी पार्टियों ने मौर्य पर जमकर निशाना साधा। और इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी इसी चौपाई पर आपत्ति जताते हुए रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताया।